नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। 54,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया है। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी उनके सामने चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उन्हें हासिल हुए सिर्फ 3,141 वोट। और इस तरह कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हटीमा सीट से जो उन्हें हार मिली थी, उसके दाग को इस ऐतिहासिक जीत के साथ धो दिया है। आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तो जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन सीएम उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी हटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि हार के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गवाई। पार्टी आलाकमान ने राज्य की सत्ता की कमान उन्हीं को सौंपी थी और अब उनके लिए विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनना जरूरी हो गया था। इस बार उन्होंने अपने लिए चंपावत सीट चुनी। 31 मई को चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। करीब 64% मतदाताओं ने यहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में ये चंपावत सीट पड़ती है और यहां कुल मिला के 96,213 मतदाता हैं। इनमें से 64% मतदाताओं ने वोटिंग की और मुख्यमंत्री ने अपने लिए यहां जोरदार प्रचार किया और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धामी का प्रचार करने के लिए यहां पर आए और उन्हें भारी मतों से जिताने की योगी ने भी अपील की थी। आपको बता दें कि चंपावत सीट पर साल 2017 में बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने 17,360 वोटों के अंतर से जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। और हटीमा से धामी को जिन्होंने हराया था, भुवन चंद्र कापड़ी, कांग्रेस ने उनको यहां चंपावत के रण में लगाया था कि शायद यहां पे भी कोई कमाल कर पाए, लेकिन यहां कापड़ी का कोई दांव काम नहीं आया। और कांग्रेस उम्मीदवार की हालत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।